नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावरी में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम प्रीत कंपनी के ट्रैक्टर के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्रीत कंपनी के बारे में। तो प्रीत कंपनी कंबाइन हार्वेस्टर बनाने वाली कंपनी है, जो कि कंबाइन हार्वेस्टर में काफी ज्यादा अच्छा नाम है प्रीत कंपनी का। प्रीत कंपनी 2004 से ट्रैक्टर बनाती है। तो आज की वीडियो में हम प्रीत कंपनी के ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो वो है प्रीत का 955 सुपर मॉडल। तो सबसे पहले इसके सामने की लुक देख ले जाए तो पुराने जैसे प्रीत के पहले होते हैं बिल्कुल वैसा ही दिया गया है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपके आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले बम्पर देख लेते हैं। बम्पर इस स्टाइल में दिया जाता है, पहले सोनालिका की तरह आगे वेट वाला बम्पर दिया जाता है, और यहाँ पे आपको बोनेट देखने को मिल जाता है। बोनेट के ऊपर आपको फ्रीज लिखा हुआ है, वहीं पे आपको हाइलोजन हेडलाइट दिए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा रोशनी करते हैं। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे फ्रीज लिखा हुआ है 3D लोगो के साथ, और इसी के आगे आपको सुपर और 955 लिखा हुआ है। वहीं इस स्टाइल में आपको मडगार्ड देखने को मिलता है। अब हम इसके बोनेट खोल के देख लेते हैं। इसके अंदर की को घुमाना पड़ता है, उसके बाद बोनेट ऑटोमेटिकली ऊपर खुल जाता है। यहाँ पे हाइड्रोलिक शॉट दिया गया, जो कि बोनेट को खोलता है, और उसी के ऊपर देखें तो हेडलाइट का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार में दिया गया, जो कि हाइड्रोजन हेडलाइट दिया गया है। अब इसके सामने देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक साइड की बैटरी दिया गया, जो कि 88 की एक साइड की बैटरी दी गई। इसके अंदर आपको एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है, जो कि 6 इंच का दैट टाइप का डुअल एलिमेंट वाला एयर क्लीनर इसके अंदर दिया गया है। वहीं इसके ऊपर आगे देखा जाए तो आपको हॉर्न दिया गया, हॉर्न को कंपनी को थोड़ा सा आगे देना चाहिए था ताकि साउंड ज्यादा से ज्यादा हो सके। वहीं हम इसके रेडिएटर देखें तो काफी बड़ा रेडिएटर दिया गया है, उसी के पीछे आपको कूलेंट के लिए ओवरफ्लो रिजर्वायर का टैंक दिया गया है। वहीं इसके आगे फ्रंट वेट की बात करें तो इसके अंदर लोहे का बनाया गया, पहले कास्ट आयरन का आता था, अब कंपनी कॉस्ट कटिंग करने लगी है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन पार्ट इंजन के बारे में। तो इसके अंदर आपको 55 HP 3 सिलेंडर का इंजन दिया गया है, जो कि सीसी की बात करें तो 3066 CC का इसके अंदर इंजन दिया गया है। वहीं इसकी रेटेड RPM की बात करें तो इसके अंदर 2200 इंजन रेटेड RPM दिया गया है। वहीं इसके आगे देखा जाए तो यहाँ पे फ्यूल टैंक दिया गया, फ्यूल टैंक इसके अंदर 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया, जो कि और ट्रैक्टरों से काफी ज्यादा बड़ा दिया गया। वहीं इसी के नीचे आपको वाटर सेपरेटर दिया गया, जो कि पानी को अलग करता है। वहीं 2 डीजल फिल्टर और आपको इनलाइन पंप देखने को मिल जाता है, जो कि बॉश कंपनी का इनलाइन पंप इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है। और ये इंजन जेटर टाइप का है, जेटर टाइप का कहने का मतलब रहता है कि ये सोनालिका में भी आता है और SMC में भी आता है और इंडो फार्म में भी ये इंजन आता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा इंजन है। बस इसके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे आपको पावर स्टीयरिंग का टैंक दिया गया, जो कि प्लास्टिक का कर दिया गया, पहले इसके अंदर 3 का दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में। तो इसके अंदर सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया, इसके अंदर पावर स्टीयरिंग ही आता है। और इसके फ्रंट टायर की बात करें तो इसके अंदर 7/16 का BKT का टायर दिया गया, जो काफी ज्यादा अच्छा टायर दिया है। इस इंजन की खास बात यह है कि इसकी पार्ट काफी ज्यादा आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, क्योंकि सोनालिका, इंडो फार्म और बहुत सारी कंपनियों में ये इंजन आता है, इसीलिए इसका पार्ट आसानी से मिल जाता है। वहीं इसके सामने देखा जाए तो आपको 35 एम्पीयर का अल्टरनेटर दिया गया, उसी के नीचे आपको 2 पंप दिया गया, एक पावर स्टीयरिंग के लिए, दूसरा हाइड्रोलिक के लिए। उसी के नीचे आपको इंजन ऑयल फिल्टर और हाइड्रोलिक फिल्टर दिया गया है। वहीं इसी के आगे हम अगर देखें तो स्टार्टर मोटर दिया हुआ है, जो कि 2.5 किलोवाट का इसके अंदर स्टार्टर मोटर दिया गया, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं इसके ऊपर आपको साइलेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि अलग स्टाइल में इसका साइलेंसर दिया गया, जैसे स्वराज की तरह ही इसका दिया हुआ है। और इसके अंदर कंपनी ने काफी ज्यादा अच्छा कर दिया है। इसके जो इनलाइन पंप है, इसके अंदर आपको 200 ग्राम ऑयल नहीं डालना पड़ेगा, वो इंजन के पाइप से कनेक्ट कर दिया है, जिसके इंजन में ऑयल होता है तो वो इसी के अंदर आ जाता है, जो काफी ज्यादा अच्छा बात है। अब बात करते हैं इसके क्लच के बारे में। तो इसके अंदर डुअल क्लच दिया गया है, जो कि 280 mm के साइज में आता है। और इसके अंदर एक कंपनी ने अच्छा किया कि इसके अंदर क्लच का एडजस्टर भी होल वाला दे दिया, जिससे आपका क्लच हाथ चले तो इसको आप नीचे भी कर सकते हैं, जो कि इजी हो जाता है चलाना। और इसके अंदर कंपनी ने डोजर फिटमेंट कर लिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है चेसिस के अंदर, जिसके मदद से आप आसानी से डोजर फिट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर चलकर ऊपर देख लेते हैं कि ऊपर से कैसा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सीट दिया गया, जो कि नॉर्मल सीट दिया गया, जो कि ठीक है। और यहाँ पे मडगार्ड के ऊपर कंपनी गद्दा देती थी, वो हटा दिया है, मुझे वो काफी ज्यादा बुरा लगा। अब वहीं इसके सामने से देखा जाए तो सामने से कुछ इस प्रकार का लुक देखने को मिलता है, थोड़ा सा पुराने वाले की तरह ही रखा गया,
लेकिन इसके अंदर फर्क है, यहाँ पे आपको स्टेरिंग दिया गया जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये स्टेरिंग व्हील पावर ट्रैक में भी आता है और जेसीबी में भी आता है जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं इसके मीटर देखें तो इसके अंदर सिंपल स्टाइल का मीटर दिया गया जो कि आइसर ट्रैक्टर में आता था, लेकिन आइसर ट्रैक्टर में भी डिजिटल मीटर आने लगा है, तो कंपनी को इसके अंदर भी चेंज करके डिजिटल मीटर देना चाहिए था। और यहाँ पे आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए यूएसबी का पॉइंट दिया गया है, उसी के नीचे आपको कॉम्बिनेशन स्विच दिया गया जिससे लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। वहीं इसके दूसरे साइड आपको हैंडरेड देखने को मिल जाता है और इसी के नीचे आपको हजार का फ्लेशर का लाइट दिया जाता है जो काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पे आपको चाबी लगाने के लिए और इंजन को स्टॉप करने के लिए दिया गया है, प्लेटफॉर्म कुछ इस प्रकार में देखने को मिलता है। वहीं इसके गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आप फॉरवर्ड दो रिवर्स का गियर बॉक्स दिया गया है जो कि स्लाइडिंग मैच का गियर बॉक्स है, बिल्कुल स्वराज की तरह ही इसके अंदर गियर बॉक्स दिया गया है। वहीं इसके अंदर क्लच हैंडल कुछ इस प्रकार में दिया गया है। वहीं इसके दूसरे साइड देखा जाए तो यहाँ पे आपको पीटीओ का लीवर दिया गया है, इसके अंदर दो पीटीओ का ऑप्शन आता है, एक 540 पीटीओ और ग्राउंड स्पीड पीटीओ और एक आता है 540 पीटीओ और मल्टी स्पीड पीटीओ, जिसे आप आगे करते हैं तो 540 लग जाती है, पीछे आपको मल्टी स्पीड पीटीओ लग जाती है। और यहाँ पे आपको टूल बॉक्स दिया गया जो कि प्लास्टिक का दिया गया। अब बात करते हैं इसके राइट साइड में, तो राइट साइड में यहाँ पे आपको ब्रेक पैडल दिया गया है, इसके अंदर ड्राइव डिस्क ब्रेक और लिमर डिस्क ब्रेक दोनों ऑप्शन आते हैं, आप जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। वही इसी के आगे आपको हैंडल्स दिया हुआ है और वहाँ पे आपको हाइड्रोलिक का लीवर दिया गया है जो कि एक पोजीशन कंट्रोल है, दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल। पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल से आप आसानी से हाइड्रोलिक को इंप्लीमेंट को चला सकते हैं। वहीं इसी के पीछे आपको डीसीबी वाल्व का लीवर दिया गया जिससे आप पल्टी फ्लो मिल फ्लो चला सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बैक टायर के बारे में, तो इसके अंदर आपको 14x28 का बीकेटी का टायर दिया गया है, इसके अंदर सिर्फ 14x28 का ही टायर आता है। कई किसान भाई 16x28 का टायर कहते हैं लेकिन इसके अंदर 16x28 का टायर नहीं आता है, इसका पिछला हिस्सा 18555 की तरह ही इसका दिया गया है। वहीं इसके बीच में आपको मडगार्ड सेफ्टी रॉड दिया गया है। वहीं पे इसके हाइड्रोलिक की बात करें तो इसके अंदर 3 पॉइंट फिनिशिंग के साथ में हाइड्रोलिक आती है और इसके अंदर कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल दिया गया है, इसके अंदर आप डबल डिस्ट्रीब्यूटर ही मिलेगा और ये पूरा गियरबॉक्स स्वराज की तरह ही इसके अंदर दिया गया है। वहीं इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी दिया गया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल स्वराज की तरह ही इसके अंदर लिंकेज दिया गया है। अब बात करते हैं इसके रियर एक्सल के बारे में, तो इसके अंदर बुल पिनियन टाइप का रियर एक्सल दिया गया है जो कि नॉर्मल कामों के लिए अच्छा एक्सल माना जाता है। वहीं इसकी पीटीओ हॉर्स पावर की बात की जाए तो इसके अंदर 48 हॉर्स पावर का इसके अंदर पीटीओ दिया गया है जो कि 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। वहीं इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसका 7,80,000 ऑन रोड प्राइस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप किस ट्रैक्टर का वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।